काफ़ी दिन बाद फिर से हमारा जो ब्लॉग है फिर से स्टार्ट होते हैं दिल्ली में। कल नाइट में हम पहुँचे हैं, तो नाइट में पहुँचे काफ़ी बारिश वगैरह हो रही थी, काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ आना हुई से। और आज जो है 26 जून 2023 के जो है शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाते हैं। और शाला प्रवेश उत्सव जो है हमारे यहाँ मनाना है प्राथमिक शाला मौलीगुड़ा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परसागुड़ा के संयुक्त मनाया जाते हैं। और आज जो है जनपद सी ओ सर पहुँचना हो अच्छा तो आज लड़का मतलब जो है पुस्तक कॉपी और आग्रह करूँगा कि वे माँ सरस्वती के मूर्ति स्थल पर जाकर के पूजन अर्चन के बाद में हम लोग प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करेंगे।
हमारे संकोच के समन्वयक जिसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी टीकाकरण अधिकारी का पुष्पचक्र स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे स्वागत करेंगे। इसके साथ में हमारे स्कूल की विद्यार्थी कुमारी हिरण से निवेदन करूंगा, वे भी हमारे आज के नोडल अधिकारी का स्वागत अच्छा से करेंगे। साथियों साथ हमारे इस स्कूल प्रांगण में हमारे से निवेदन करेंगे हमारे टीकाकरण का अधिकारी का स्वागत के लिए मैं श्री सर्वेश्वर संस्कृत चतर मध्य विद्यालय हर्षपुरा के साथ निवेदन करना हूँ उनका शिक्षा से स्वागत के लिए। और हमारे देश में उपस्थित चंद्रशेखर जी का पुष्प गुच्छा से स्वागत करने के लिए मैं कारंगा सर से निवेदन करता हूं कि वो पुष्प गुच्छा देकर के उनका स्वागत करेंगे। और मैं संस्था की वरिष्ठ डायरेक्टर श्रीमती नैनना को आग्रह करता हूं कि सभी पालकों का स्वागत पुष्प गुच्छा देकर के करेंगे। अब बारी है नव प्रवेशित बच्चों को हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि कार्यपालन अधिकारी हैं उनको हम लोग सम्बोधन करते हैं। पढ़ाई आपकी शुरू है बच्चे। इस वक्त पुस्तक वितरण किया जा रहा है और बच्चे अब ये सोचे कि हमारा पढ़ाई शुरू हो गया। पुस्तक वितरण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें खुशी की बात तो है ही, साथ ही साथ हमारे सर जी को कहीं जाना है दूसरी जगह भी, इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा जो भी हमें वो उद्बोधन देंगे अच्छे से सुनेंगे और हमारे जीवन में उसको लागू करेंगे। सर जी मैं आपसे निवेदन करती हूँ हमारे बच्चों के लिए। शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के संस्थान के आचार्य श्री पठक जी, यहाँ के शाला समिति के अध्यक्ष जी, मेरे साथ आइए अजय जैन जी, सभी पालकगण, सभी बच्चों, बड़े हर्ष की विषय है कि आज शाला प्रवेश उत्सव हो रहा है। नए बच्चे भी हैं, पुराने बच्चे भी हैं। अभी दो महीने से ज़्यादा मतलब आपकी स्कूलें बन रही, पहले तो 16 तारीख को खोलना था लेकिन गर्मी के कारण शासन ने 10 दिन का और समय दिया, आज इसलिए आज 26 तारीख को खुल रहा है। और
इस अवसर पे साला प्रवेश उत्सव सभी स्कूलों में सभी पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। तो विशेषकर विद्यार्थियों के लिए ये है कि पिछला जो आप लोगों ने स्कूलों में भर्ती हुए थे और अध्ययन किया था, और उसके बाद जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि पुराने जो पिछले क्लासेस की जो कमजोरियाँ हैं उसको मतलब दूर करें और अच्छे लगन के साथ पढ़ें। आप लोग देख रहे हो कि मतलब जो शिक्षक भी देख रहे हैं कि काफ़ी इंटीरियर क्षेत्र से जो है बच्चे जो कुछ भी सुविधा नहीं है वो भी अच्छा मतलब कर रहे हैं, और आपके नीट हुआ, आपके पीजी हुआ या अन्य जगह पर उनका चयन हो रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को कम असुविधा मिल रही है, शाला से सुविधा नहीं मिल रही है, घर से सुविधा नहीं हो रही है, तो मैं इसलिए नहीं कर सकता। आपके मनोबल को काफ़ी मतलब ऊंचा करके आपको रखना है और एकदम निरंतर अच्छे मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, और जो है पालकगण को भी इन लोगों को भी मतलब इससे मतलब घर में भी ध्यान दें, और इसको जो अपने जो शिक्षकगण हैं उनको भी लगन के साथ इन लोगों को पढ़ाएं। यही मेरे उनके साथ मतलब कामनाएं हैं। उसके बाद जो शासन जो है शासकीय स्कूलों को भी काफ़ी मतलब उसको सुदृढ़ कर रही है, जैसे बच्चों को मतलब पुस्तकें दे रही है, साइकिल दे रही है, ड्रेस दे रही है, उसके बाद शिक्षक की कमी को भी दूर कर रही है। पिछले समय काफ़ी भर्तियाँ हुई हैं शिक्षकों की कमी में, और इस साल भी मतलब परीक्षाएं हो चुकी हैं। आपके कम से कम 1 महीने के बाद हो सकता है यहाँ सभी फैकल्टी नहीं आती। बहुत अच्छी बात है यहाँ के सभी फैकल्टी के कम से कम शिक्षक हैं गणित विज्ञान वगैरह के, ज़्यादातर ट्रैवल क्षेत्र में गणित विज्ञान के मतलब टीचर नहीं रहते, और बच्चे लोगों के लिए काफ़ी आ गए। और इन्हीं शुभकामना के साथ अपने वचन को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही समस्या अगर इसके निदान हो जाए तो हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे, क्योंकि सचिव जी भी जानते हैं कि हम लोग भी जब भी ग्राम सभा होते हैं हमारे प्रतिनिधि यहाँ से बैठते हैं, लेकिन आज प्रबल ये समस्या वैसे की वैसे ही रही है। बच्चों का स्वागत करें।